चलिए आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का 21 क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल दिया हुआ है, इसको ये क्यूब रूट है, सिक्स रूट है, ये फोर्थ रूट है, नाइन्थ रूट है, तो इसको हम घातांक के रूप में लिख दें। तो कैसे लिखेंगे, एक्स घाते 1/3 इंटू एक्स घाते 1/6 बटे में एक्स घाते 3/4, ये वाला 4/2 में जाएगा, एक्स घाते 6/9, ये 1/2 जाएगा, है ना। तो आधार समान है, गुणा है, तो घात आपस में जुड़ेगा, नीचे भी ऊपर हो गया 1/3 × 1/6 बटे में एक्स घाते 3/4 × 6/9। तो क्या हो जाएगा, देखिए चलो उत्तम तो हो जाएगा 2/1 और बटे में यहां पर एक्स घाते 9/36 है ना, तो 9/36 27 + 24 बराबर 3/6, यानी कि ऊपर हो जाएगा एक्स घाते 1/2 और बटे में हो जाएगा 51/36, एक्स घाते 51/36। इसको अब हम ऐसे कर देते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा एक्स घाते 1/2, ये देखिए बटे में है ना, ऊपर जाके घात घटेगा, -51/36, एक्स घाते 36, यहाँ हो गया 18 - 51, मीन्स एक्स घाते -33/36 काट दें, 3 से काटेंगे ना, 11/12, यानी कि एक्स घाते -11/12 या 1/(x^11) बटे 12। तो ये बटे में है ना, तो इसको घातांक के ये रूट के रूप में लिख लें, कैसे हो जाएगा, एक्स घाते 11 कौन सा रूट, 12वां रूट, ये हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत वाला नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23, डू योर सेल्फ, अपने से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बताने जा रहा हूँ, देखिए इस तरह से है, तो इसको क्या करेंगे, भाग का निशान है तो बटे में पहले लिख लें, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए घाते -2x इंटू बी घाते 3y और बटे में x का जब गुणा करेंगे तो ए घाते -3x इंटू बी घाते -x, वन में गुणा करेंगे x का तो -x हो जाएगा। अब ये देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो समान आधार के घात आपस में घटेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए घाते -2x और ये ऊपर गया तो हो जाएगा +3x इंटू बी घाते 3y, ये ऊपर जा करके हो गया +x, ये तो 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, a पावर x b पावर x +3y, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ए पावर -m क्यूब रूट है और भागे
ए पावर माइनस टू एन और क्या है क्यूब रूट है। चलिए तो पहले क्या हो जाएगा देखिए, इसको हटा दें तो ए पावर माइनस एन बटा में तीन और भागे ए पावर माइनस टू एन बटा में तीन, तो ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो घात घटेगा, तो क्या हो जाएगा ए पावर माइनस एन बाई थ्री प्लस टू एन बाई थ्री, टू एन बाई थ्री में से वन एन बाई थ्री घटेगा तो एन बाई थ्री बचेगा, ए पावर एन बाई थ्री या ऐसे लिख दें ए पावर एन का क्यूब रूट। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 अपने से कर लिए, 26, 27, 28 और 29 डू योर सेल्फ, ये आप लोग कर लेंगे इसलिए मैं कर रहा हूँ डू योर सेल्फ। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें दिक्कत है एकदम दिक्कत है उसी को मैं बता रहा हूँ। एक्स अंडर रूट में वाई जेड, एक्स अंडर रूट में वाई जेड इंटू वाई अंडर रूट में एक्स जेड इंटू जेड अंडर रूट में एक्स वाई। ठीक है तो हो जाएगा ये एक्स घाते देखिए वन है और ये क्या हो जाएगा वाई जेड घाते वन बाई टू इंटू वाई घाते वन इंटू एक्स जेड घाते वन बाई टू इंटू जेड घाते वन एक्स वाई घाते वन बाई टू। तो ये ब्रैकेट तोड़ दे तो ये घात जो है इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा उसी तरह समय होगा, एक्स घाते वन वाई घाते वन बाई टू जेड घाते वन बाई टू इंटू वाई पावर वन एक्स पावर वन बाई टू जेड पावर वन बाई टू इंटू जेड पावर वन इंटू एक्स पावर वन बाई टू एंड वाई पावर वन बाई टू। अब समान आधार के घातों को हम जोड़ देंगे क्योंकि सब गुणा में है ना, सब गुणा में है तो समान आधार के घात आपस में जुड़ जाएंगे। x के घात कौन कौन है, 1 प्लस 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू इंटू y घाते 1 बाई टू प्लस 1 प्लस 1 बाई टू इंटू जेड 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू प्लस 1। ठीक है तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 ये 1 बाई टू 1 बाई टू 1 प्लस 1 2 यानी कि सब पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं आंसर यहां भी लिख सकते हैं। ठीक क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32
ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके आता रहता है। ये इतना ऊपर लग गई इसको, ठीक है। तो है बहुत आसान, ये क्या करेंगे, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो ये घात इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, दोनों पर आएगा समान रूप से। ये वही काम इसमें भी करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये घात इसके साथ और इसके साथ अलग अलग गुणा होगा, और यहाँ पर भी ये वन बाई सी ए इसके घात के साथ गुणा होगा, इसके घात के साथ गुणा हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होगा, एक्स घात ए गुणे वन बाई ए बी बटे में एक्स घात बी गुणे वन बाई ए बी। अब यहाँ पर भी एक्स घात बी गुणे वन बाई बी सी और बटे में एक्स घात सी, सी के साथ ये घात गुणा हो जाएगा, गुणे यहाँ पर भी वही बात एक्स घात सी गुणे वन बाई सी ए बटे में ए गुणे वन बाई सी ए। ब्रैकेट तोड़े तो घात आपस में अलग अलग हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये सी ये बी, ये सी ये सी ये ए, ऐसे क्या क्या बचा देखिए, एक्स घात वन बाई बी बटे में एक्स घात वन बाई ए गुणे एक्स घात वन बाई सी बटे में एक्स घात वन बाई बी गुणे एक्स घात वन बाई ए बटे में एक्स घात वन बाई सी। अब देखिए वन एक्स घात वन बाई बी ये कट रहा है, कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या हो गया वन। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बस करना क्या था घातों का आपस में। अच्छा और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत कुछ लोग क्या करते हैं इसको, चूंकि आधार समान है तो घात आपस में घटा देते हैं, ए माइनस बी करते हैं फिर उसके बाद गुणा करते हैं, तो कुल मिला जुला करके आना ही है, वन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा देखिए देखने से ही लग रहा है ये कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। तो हम वैसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बारी बारी से सब में गुणा करेंगे, पहले ए क्यूब का इसमें 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 गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, ए घाते दो बटा तीन इंटू ए घाते वन बाई थ्री, इसका इसके साथ हुआ, फिर इसका इसके साथ कर रहे हैं, तो ए घाते वन बाई थ्री बी घाते टू बाई थ्री, ठीक है इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे प्लस ए घात वन बाई थ्री इंटू ए घात वन बाई थ्री बी घात वन बाई थ्री, ये हो गया। अब इसके साथ करेंगे बी, इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस लगेगा, तो ए घाते दो बटा तीन इंटू बी घाते वन बाई थ्री, फिर जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस बी घात दो बटा तीन इंटू बी घात वन बाई थ्री, फिर इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस ए घात वन बाई थ्री बी घात दो बटा तीन इंटू बी घात वन बाई थ्री। तो ये घात आपस में जुड़ेगा, आधार समान है ना, ए ए है तो घात आपस में जुड़ेगा, तो दो बटा तीन प्लस वन बाई थ्री प्लस, ये तो अलग अलग है, या ए पावर वन बाई थ्री और बी पावर टू बाई थ्री, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं ए पावर वन बाई थ्री बी पावर टू बाई थ्री प्लस, यहाँ पर देखिए जुड़ेगा ए पावर टू बाई थ्री
बी पावर 1/3 माइनस यहाँ पर ए पावर 2/3 बी पावर 1/3 माइनस बी पावर 2/3 ऑफ प्लस 1/3 माइनस यहाँ पर ए पावर 1/3 इंटू बी पावर यहाँ पर गलती हुआ है बी का इसमें गुणा करेंगे ना तो वो दोनों पे 1/3 है तो ये हो जाएगा 2/3। तो चलिए अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, ये कटेगा इसके साथ, ठीक है ये कट गया और ये कटेगा इसके साथ, क्या बचा ये देखिए 2/3 1/3 3/3 यानी कि हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा आंसर। अब अगर कि इसको दूसरा शॉर्टकट मेथड से करना है तो कैसे करेंगे देखिए, मान ले ए घाते 1/3 बराबर एक्स और बी घाते 1/3 बराबर वाई, यहां देखिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू, यहां पर देखिए ए पावर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और ये देखिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ठीक है ये फार्मूला पूरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, मान रख दे एक्स का मान है 1/3 ए पावर 1/3 और ये क्यूब ऊपर जाएगा माइनस वाई का मान बी पावर 1/3 ये क्यूब लगा हुआ है तो घात के ऊपर घात ए पावर 1/3 इंटू 3 माइनस बी पावर 1/3 इंटू 3 3 कट गया, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी चाहे तो लगा सकते हैं, दोनों में से जैसे आपको सुटेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 34 को आप क्वेश्चन नंबर 33 जैसे जो अभी हम लोग किए हैं ना एकदम सेम उसी तरह से करिए, चाहे इसको जो है आप सेकेंड मेथड से मत करिएगा क्योंकि उस वाले में 33 वाले में सेकेंड मेथड जो हम लोग किए थे वो तो फार्मूले पर हो रहा था इसलिए हम लोग उसको सेकेंड मेथड से कर दिए, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा ना गुणा करना पड़ेगा पूरे लंबा गुणा, जैसे हम लोग पहले पद का गुणा किए थे तीनों में, फिर दूसरे पद का तीनों में गुणा किए थे, फिर जो कटा था उसको काट दिए थे और जो बाकी बचा था वही आंसर था। 34 में क्या करना है सिर्फ लंबा गुणा से ही होगा और फार्मूले में नहीं आएगा तो लंबा गुणा करके उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके आता ही रहता है ये तो है बहुत सिंपल, दो लाइन का है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। घातों को पहले गुणा कर दीजिए, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए पहले, तो ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स घाते बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स घाते सी ए माइनस बी सी, ये एलएचएस ये एलएचएस होगा हमारा, आरएचएस हमको लाना है, ठीक है। तो अब देखिए आधार समान है सब जगह एक्स है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स घाते ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब ये प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी कट गया, सब जीरो हो गया ना, तो एक्स का घात जीरो। और हम लोग जब फार्मूला देख रहे थे घातांक का तो उसमें देखे थे ना कि किसी भी संख्या का घात अगर जीरो है तो उसका मान सदैव
वन होता है। तो यहाँ पर एक्स का घात जीरो है, इसका मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यही लाना था, ये हो जाएगा आर एक्स, ठीक है।